राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का चुनाव नतीजों पर निशाना। कहा, जिनको अहंकार था उनको भगवान राम ने 241 पर रोका और जिनकी राम के प्रति श्रद्धा नहीं वो 234 पर थमे। कांग्रेस पार्टी में भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना जिनके अंदर राम की अनास्था थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव, 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर सकती हैं बजट। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई जांच और काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इंकार, सभी मामलों की सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे, आज फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। इटली में महाशक्तियों का महामिलन, ग्लोबल मिशन पर प्रधानमंत्री मोदी। मेरे साथ देखिए G7 समिट की सबसे बड़ी कवरेज सीधे इटली से, सिर्फ News18 इंडिया पर। कुवैत से अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के शव पहुंचे कोची, हादसे में हुई है 45 भारतीयों की मौत। दिल्ली में नहीं खत्म हो रहा जल संकट, लोग अभी भी टैंकर से पानी लेने को मजबूर, मुनक नहर पर हो रही है पुलिस की पेट्रोलिंग।